आदमी है ना वो औरत है, ना वो आदमी है ना वो औरत है, वो ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान है, उसकी यही एक पहचान है। वो ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान है, उसकी यही एक पहचान है। इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी कविता का विषय क्या है। जी हाँ, मेरी कविता का विषय है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ थर्ड जेंडर। हम सब क्यों भूल जाते हैं, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान है। हिजड़ा, छत्ता, तिन्नर इत्यादि नामों से हम उन्हें बुलाते हैं, पर ये क्यों भूल जाते हैं, वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उनमें भी हमारी तरह अपना एक स्वाभिमान है। हाथ फैलाते हैं सबके सामने, वरना आत्मविश्वास तो उनमें हमसे भी कुछ है। कुछ ख्वाहिशें, इच्छा, अरमा उनके भी होते हैं, पर यूं हर बार उन्हें हम क्यों दबा देते हैं। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं, वो भी हमारी तरह ईश्वर का एक इंसान है। जन्म लेते ही उन्हें तिरस्कार सहना पड़ता है, बचपन में ही उन्हें अपने माँ बाप से दूर होना पड़ता है। उन्हें भी माँ से प्यार, पिता का दुलार चाहिए, ज्यादा नहीं बस अपनी मुट्ठी भर तक आसमान चाहिए। हाँ कुछ भिन्न शारीरिक बनावट उन्होंने पाई है, पर उनका यूं हर बार अपमान करना, ए इंसान तूने ऐसी सोच कहाँ से पाई है। खून हमारा भी लाल है, बस हम सबको बनाने वाला ईश्वर हम पर तो ज्यादा ही मेहरबान है। अपनी इच्छा से नहीं, ईश्वर की मर्जी से उन्होंने ये विचित्र रूप पाया है। यूं उन पर बार बार सवाल उठाना, ए इंसान तुझे किसने सिखाया है, क्या पूर्ण रूप से सक्षम है तू जो तूने ये अधिकार पाया है। एक तरफ जहां अर्ध नारेश्वर रूप में भगवान शिव तो हम पूछते हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्ध नारेश्वर रूप में जन्मे इंसानों तो हम लूटते हैं। बद्दुआ, बेइज्जती, निरादर, अपमान वो सब सहते हैं, फिर भी हमेशा हमें आशीर्वाद में दुआ ही देते हैं। नाम, रुपया, पैसा, दौलत, शौहरत उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ एक समान अधिकार चाहिए। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं, वो भी हमारी तरह ईश्वर का बनाया हुआ एक इंसान है। अंत में मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, क्या हमारी नियति जन्म से तय हो जाती है। बेटा हुआ तो धरती बारिश आया है, बेटी हुई तो धरती लक्ष्मी आई है, और अगर गलती से थर्ड जेंडर हुआ तो धर्म में मनुष्य अच्छाई है। सोच ने समाज की सोच तो ही बदल दिया, एक अच्छे खासे इंसान तो लज्जा का सामान बना। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, वी शुड रेस्पेक्ट ऑल बिकॉज दे डू हैव सेम फीलिंग्स। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फिक्शनल सीमेंटेड, एज वेल एज फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज क्यूट @4।